الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده मेरे वाजिब अल-एहतराम अजीज साथियों, जुमातुल मुबारक जो तमाम दिनों का सरदार है और आज अल्लाह ने हमको फिर तौफीक अता फरमाई इस जुम्मा पढ़ने की, सिलसिले के जितने भी साथी हजरात ने पहले ही अर्ज किया है कि आप अपने जुम्मे के इज्तिमा में शरीक होने की कोशिश किया करें, क्योंकि बहुत से सवालात दिलों में जन्म लेते हैं और बहुत से ख्यालात मुंतशिर रहते हैं। तो क्योंकि दीन मुजाहदे का नाम है, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जब वो आते हैं तो उनके इश्कालात भी रफा हो जाते हैं और उलूम भी खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दीन के जो तरीके अल्लाह ने फरमाए उसको उसी तरह हासिल करेंगे तो उसमें नूर होगा और बरकत भी होगी। जो लोग दूर हैं वो मजबूर हैं और जो करीब हैं वो मजबूर नहीं होते। क्योंकि जो आ सकते वो नहीं आता और जो नहीं आ सकता वो दूर है चाहता है कि मैं मजालिस में जाऊं और दीन तलब की बरकत से मिलता है। العلم نور نور اللہ باطل کو منتقل نہیں کرتا مگر معلومات باطل بھی حاصل کرتا ہے۔ ابلیس نے اللہ سے لے کے انبیاء و رشتے تمام چیزوں کی علم کا نور نہیں اس کے پاس، جو کہ مومن ہوتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس لیے جتنی بھی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے مگر آپ کا ایمان کسی کا نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی تو طلب جس کی ہے وہ چاہتا ہے تو اس کو وہ نور ملے گا، اور جس کے پاس وقت ہے اور نہیں آتا اس کو یہ نور منتقل نہیں ہوتا۔ کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدے کے ساتھ ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صحبت تو نہ مجاہدہ بس گھر بیٹھے بٹن کے ساتھ مل جائے، تو معلومات تو مل جائے گی۔ یہی چیز ہے کہ آپ دیکھو کہ کتابیں بڑی بڑی ہیں معلومات کے اعتبار سے مگر کسی عمل میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس پر مجاہدہ نہیں ہے۔ معلوم تو سب ہے مگر پاور نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدہ نہیں ہے، وہ صحبت نہیں ہے، جس نے وہ کتاب لکھی اس کی اجازت اس کی صحبت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو وظائف ہم دے رہے ہیں اسی کو کرو، کیونکہ یہاں صحبت بھی ہے، اجازت بھی اور پاور بھی تم کو منتقل ہو رہی ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے دیا ہمیں تحفہ، اور ہمارے عمل کو دیکھ کے نہیں دیا کہ ہم اتنے خوبصورت عمل کرنے والے ہیں، ہم جو ہے سارا رات مصلی ہوا کرنے، اس کے فضل اپنے فضل سے دیا ہے۔ امت پر احسان کیا ہمیں دی، ہم جیسے کمزور لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔
इसलिए ईमान कीमती है। और फिर जो अल्लाह ने आपको अमानत उसकी जान दी हुई है, जो जिस्म है, जो रूह है, ये उसकी अमानत है। मल्टीमीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ तरीके लोगों के, इंसान सहूलत पसंद है, मुजाहिदे को पसंद नहीं करता। उमूमी तौर पे कहते हैं कि बस राहत के साथ खाना, यही वजह है कि लोगों को करोड़ों रुपए जब माँ बाप की जायदाद मिलती है उसकी इतनी कदर नहीं होती, लेकिन अपनी मेहनत से कमाए हुए 100 रुपए की कदर होती है। किसी को आप ऐसे ही दे, वो जो ऐसे ही दिए जाते हैं वो करोड़ों लाखों भी फजूल होते हैं, उसकी कदर और कीमत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन मेहनत से कमाए हुए 100 रुपए में बरकत होती है। यानी वो 100 रुपए में जो बरकत है वो किसकी वजह से? मेहनत की वजह से। देखो मजदूर 3,000, 4,000, 15,000, 16,000 रुपए कमाने वाले लोग जो उतार है या जो भी, उनके घर के गुजारे चल रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत डाली हुई। और जिसको ऐसी लाखों रुपए मिल रहे थे उसको परेशानी रहता है। तो हर चीज के अंदर जो मेहनत है, खिदमत है, ये चीज को कीमती करती है। यही वजह है कि आप अगर मुआशरे के अंदर सुधार लाना चाहते हैं तो गीबत और हसद को खत्म करना शुरू, एक दूसरे की कदर करना शुरू, सुनी सुनाई बातें एक पर अमल करना छोड़ दो। खवातीन में या अमराज या किसी में बहुत ज्यादा होते हैं कि वो सुनी सुनाई बात को फौरन तस्दीक कर लेती कि हाँ बस ये है, और यही तबाहियां होती है। फिर वो उसमें कुड़ती रहती है, हसद की वजह से जलती रहती है, फला ने मेरे बारे में क्यों कहा, क्योंकि एक शौक होता है कि लोग हमें अच्छा समझ। हर इंसान के अंदर एक शौक ये जन्म लेते कि लोग मुझे अच्छा कहें। कोई ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह के यहाँ अच्छा हो जाऊं, मेरा रब मुझे देखे। लोगों के सामने अच्छा रहने का एक शौक है, मुझे ये क्यों कहे। कोई आपकी नेकी माने या ना माने, आपकी नेकी जाया नहीं होगी बल्कि ज्यादा कबूल होगी, क्योंकि इसने नहीं मानी, मुजाहिदा डबल हो गया, तेरा भी इम्तिहान शुरू हो गया। क्या तूने अल्लाह के लिए किया है, नफ्स के लिए किया है? अगर अल्लाह के लिए किया है तो उसकी परवाह नहीं करोगे, दिल में कोई खराबी नहीं आएगी, और अगर नफ्स के लिए किया है तो इसलिए फारिग आदमी का बैठना शैतान का घर है। जब इंसान फारिग होता है और तन्हा होता है अल्लाह की याद के बगैर, तो शैतान हरकत कर जाती है। क्यों? कि ये उसका घर बन चुका है। खलवत अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की याद में हो, चिल्लकशी के साथ हो बेहतर है, दीन के लिए हो तो बेहतर है, गुनाहों से बचने के लिए हो तो बेहतर है। लेकिन वो खामखा अगर ऐसे ही बैठा है तो ये मर्ज है, ये शैतान का घर बन जाता है। खाली घर शैतान का घर बन जाता है, वसवास आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पिछले बड़े कहा करते थे, फारिग कभी मत बैठा करो, अगर फुर्सत कोई काम करने को ना हो तो अपनी कमीज निकालो, उसको फाड़ो और दोबारा सीने शुरू करो। कोई काम करने को ना हो तो अपनी ही कमीज उतार के उसको फाड़ दो, उसको सीने शुरू करो। मसरूफ रखो अपने आप, यही वजह है कि किसी बच्चे को या किसी को काम पे लगा दे हम या मसरूफ रखने के, तो कहते जी जुल्म कर रहा है। बाज औकात ऐसी जगह पे कि इस्लाह में नरमी करना, उस वक्त उसकी सख्ती न करना
उसका खामियाजा फिर वालदेन भुगतते। पढ़ाई में वालदेन को रहम दिल नहीं होना चाहिए। जब कोई काम सीखने का हो उसमें हो, उसमें वालदेन को मोहब्बत को गालिब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का मुस्तकबिल वाबस्ता है। वो नहीं जानता कि उसने कल होकर क्या करना है, लेकिन माँ बाप को तो पता है कि ये इसके लिए नुकसान है। इसलिए वालिद को चाहिए कि जिस तरह उसने कमाया है और उसने एक मकाम बनाया है, बच्चे को उस तरीके पे चलाए, उसको कारोबार उसी तरह के से सिखाए, चोरी करें जो हलाल की बात है, मेहनत कराए, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। इसलिए जितने भी मुरीदीन हैं या जितने भी खुलफा है जो पीर बन चुके हैं, उनको चाहिए कि वो आपस में मोहब्बत रखा करें, एक दूसरे के खिलाफ बात न करें, बल्कि अपने ही शागिर्दों को दूसरे के उस्ताद का एहतराम करना सिखाएंगे तो उसका शागिर्द उसका एहतराम भी करेगा। आपस में बातें करते वक्त अगर मुंह से कोई बात निकल जाए तो ये कह दो कि भाई ये मैं तो कह सकता हूं, मगर तुम एहतराम जरूर करना, हम पीर भाई हैं, आपस में सीनियर है या जो भी, तुम बीच में मत आना, क्योंकि तुम कल ठेकेदार बन जाओ और उसकी बेहरमती शुरू कर। जैसे दो भाई आपस में लड़ते तो अपनी औलाद बड़े वाले इसको सिखा देते कि बच्चों को कहते तुम्हारा बीच में कोई काम नहीं है, हम दो भाई हैं, आपस में लड़े या मरे तुम्हारा बीच में कोई काम नहीं। ये पिछली तरबियत होती है। ये देखो कल चाचा चाचे लड़ते हैं और अब वो चाचा, बस हम आराम से बैठे देखते रहो तमाशे, छुड़ाओ मगर बीच में कुछ वो मत करो। यही वजह है कि जब दो बुजुर्गों में या दो उसमें खुलफा में भी इख्तलाफात होते हैं, ये फितरत है, ये निकल नहीं सकता कि मैं आपको कहूँ कि ये आपसे निकल जाएगा, बहुत नामुमकिन सी चीज होती है। नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल बहुत है। तुम दूसरे का एहतराम करो, वो तुम्हारा एहतराम करेगा। अपने बच्चों को एहतराम करना सिखाओ। क्योंकि याद रखना, पीर को भी मुरीद ही बिगाड़ता है बस औकात, और मुरीद को पीर, वो मुरीद का इश्क इतना होता है अपने पीर के साथ कि अपने पीर को सीनियर या उससे उसका अदब करते हुए देखते, इसकी क्यों कर रहे हो, आप भी तो बड़े हो, आप भी तो हजरत के खलीफा हो। वो तो उसके अंदर जो है ना, पीर के अंदर वो भी छोड़ा हो जाता है, हालांकि उसको डांटना चाहिए कहा मैं तेरे लिए सब कुछ हूं, मगर इसकी कदर और मंजिलत अपनी जगह। तेरे लिए मैं सब कुछ हूं, तुम मुझे दुनिया में सबसे आला समझ, ये तेरे पे लाजिम है, मगर इसकी वजह से अगर तू औरों से नफरत करता है तो ये गलत है, ये मोहब्बत नहीं, ये तकरीब है तेरे अंदर, तामीर नहीं है। क्योंकि मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है कि तू मुझसे मोहब्बत करे और औरों से नफरत करे। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं तो उससे भी मोहब्बत कर। यही वजूहात है कि जब ये बड़े मिलते तो छोटे कहते हैं हजरत ये आप भी जाते, तो ये असल में इस्लाह ये छोटे कर रहे हैं बड़ों की, बड़े छोटों की इस्लाह नहीं कर रहे। असल मसले तो ये छोटे बने हुए बड़ों की, ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द फिर रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, असल तो वो है जिस दिन तुम बड़े बनने की कोशिश करोगे कि तुम्हें अल्लाह ने जो दिया है उसकी कदर तुम में आ जाए, पूरी दुनिया अल्लाह तुम्हारे कदमों में डाल देगा। और यही चीज हम सीख चुके, हमें समझाने मत आओ, सिखाने मत आओ, सीखो। यही समझ गए कि मालूमात वाला आदमी
मुजाहिदात वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। एक आदमी को हजारों मालूमात हो मगर एक आदमी ने मुजाहिदा किया एक अमल पर, ये हजारों मालूमात वाले इस एक मुजाहिदे वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। ये फर्क है। और फिर मुजाहिदा भी हो, इल्म भी हो, मालूमात भी हो, फिर उसका क्या मुकाबला तुम करोगे? इन ख्याल अस्तु महाल अस्तु जुनून अस्तु। और छीनने वाली जात लेने वाली जात अल्लाह की है, तुम नहीं हो कि तुम ले लो। इसलिए अपनी नेमत की कदर भी करो, दूसरों का एहतराम भी करो, मगर अपनी नेमत को दूसरे की बातों से जाया भी मत करो। फला ने मुझे ये क्यों कहा, फला ये क्यों कहता है, फला ये करता है, फला ने ये बोला, फला ने ये बोला, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो अच्छा करती हूँ, मैं तो अच्छा करता हूँ। ये मैं ही तो है, जो बकरी मैं करती हो वो ज़िबा होती है, जो ज्यादा मैं करता है वही खत्म होता है। तू 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 ही तू, तू ही तू, न मैं कुछ न मेरा कुछ, तू सब कुछ तेरा सब कुछ। ये अपना हाल बनाओ, ये शेर मत बनाओ। ये बोलने में दो लफ्ज है, बनने में उम्र लगते हैं, वक्त लगता है, टाइम लगता है, दिल फटता है। एक आदमी के साथ नेकी करते हो, वो थप्पड़ मारता है, वो गाली देता है, उस वक्त जब दिल फटता है उस वक्त बर्दाश्त करो, तब तुम में ये आएगा कि तू सब कुछ तेरा सब कुछ, न मैं कुछ न मेरा कुछ। ये लाना है, ये लाओगे तब कामयाब होगे। जो ईमान अल्लाह ने दिया वो तुम पर है, ईमान अल्लाह के साथ है तुम्हारा। तुमने जो कलमा पढ़ा, जो ईमान तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे दिल में है, वो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान है। जो नियत तुमने की है वो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान में, न किसी बुजुर्ग को, न किसी वली को, न किसी मौलवी को, न किसी मुफक्किर को, न किसी मुफस्सिर को इसका पता चल सकता। वो सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे दरमियान है, यही वो ताल्लुक है अल्लाह का, हर किसी के साथ है, जिसमें कोई उसके साथ नहीं है सिवाय। यही वो राज है, बस हम तुम ही आगाह है इस रब्त खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है। बातें तो है हर दम मगर आवाज नहीं है, तुम सा कोई हमदम कोई हमसाज नहीं। तुम्हारी इबादत रब कबूल करता है, तुम्हारा जिक्र अल्लाह कबूल करता है। किसी के कहने में, किसी के बुजुर्ग के कहने पे जो ये कहता है ये कबूल है, वो अपनी तहकीक देगा, उसने ये बात कैसे की, किस अकीदे के तहत की, किस फतवे के तहत की, किस इलम के तहत की, किस किताब से की, किस हदीस से की। ये हुक्म उसको इसने दिया है, ये इजाजत उसके पास है, ये ताकत उसके पास है, ये खबर उसके पास है, वो कैसे बोल रहा है। मुजरिम वो है, कटहरे में तुम क्यों खड़े हो, जो जवाब देगा वो देगा, तुम नहीं दोगे। मोमिन का अमल कबूल होता है, जो मोमिन नहीं उसको दुनिया का फायदा मिलता है, आखिरत का नहीं मिलता। लेकिन जो ईमान वाले उनको आखिरत का फायदा मिलता है। ईमान को बचाओ, अपने अकीदे को बचाओ। मैंने पहले ही अर्ज किया है, वो जो कुछ करते करने दो मगर तुम वो ना करो। अल्लाह है वहदहु ला शरीक, तमाम अंबिया हम हुजूर को मानने वाले, अस्हाबे रसूल है, औलिया है, उलमा है, हाकिम की भी आप वो नहीं कर सकते, बेइज्जत। बड़ों का अदब करो, छोटों का एहतराम करो।
वो जो करता है वो उसके काम है, तुम्हें ये करना है। एक आलिम तुम्हारे पीछे बात करते हैं मौलवी, वो उसकी बात है, तुम अपनी बात। तुम्हारे दिल में उसका बोझ तो नहीं आ गया, तुम्हें उससे नफरत तो नहीं हो गई, वो मर्ज के तेरे अंदर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये सोचो तुम अपने दिल के चौकीदार हो, किसी और के दिल के नहीं। तुम अपने नफ्स के चौकीदार हो, किसी और के नफ्स के नहीं। तुम औरों के लिए दाई हो मगर अपने लिए चौकीदार हो। तुम अपने ऐब को देखोगे, दूसरे की खूबियां देखोगे। तुम अपनी खूबी नहीं देख सकते, दूसरे के ऐब नहीं देख सकते। जितना झुकोगे इतना उठोगे, जितना मैं करोगे इतना नीचे जाओगे, जितना मिटोगे, जितना शोहरत से भागोगे, जितना गुमनामी को पसंद करोगे जितना आगे जाओगे। यार अल्लाह ने ड्यूटी रखी इसलिए कर रहा हूं, तुम्हारे दिल की कैफियत गुमनामी की हो फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे उठाएगा कि दुनिया तुम्हें मिटाना चाहेगी तुम नहीं मिटोगे। नफ्स के लिए शोहरत पाने वाले मिट जाते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह मशहूर कर दे उससे दुनिया नहीं मिटा सकती। नूरे खुदा है कुफर की हालत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आज भी कहता हूं सहाबा ने हमें क्या पेश किया, आदल, ईमान, इंसाफ, ताकत, अतात, इश्क रसूल, दूसरों के ख्याल, खिदमत, ये चीजें नजर आती थी। मामलात ऐसे थे, मामलात ठीक, जो जबान दे दी वो जबान से फिरना नहीं। तो अल्लाह ने पूरी दुनिया का हाकिम बना दिया उनको, हुकूमत दुनिया में जिसकी थी वो बना दिया। दुनियावी उलूम में भी महारत, जिसको तुम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के भी माहिर थे, बेरी बेड़े बनाने वाले, आपने छोड़ दिया। कुफार ने उठा लिया उस चीज, बात वही है, बात ये नहीं है, बात वो अमल है, वो अमल है, वो अमल है, उस अमल को उठाया दुनिया उधर झुक गई। तुमने छोड़ा, तुम्हारे पास सिर्फ नाम है, उनके पास काम है, हमारे पास ईमान है, उन्होंने इस पर अमल के ईमान नहीं है, दुनिया उनके पास चली गई। मामला देख लो, खिदमत देख लो, अपनी रियायत की वो देख लो। तुम अपने मुसलमान भाई को बर्दाश्त नहीं करते, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ रहा है। सहाबा ने हमें ये नहीं सिखाया था, उनके अंदर इख्तिलाफ भी होता था मगर बुख्स जगह नहीं ले सकता था। तुम्हारे जिस्म भी मिलते हैं अल्फाज भी, मगर मोहब्बत अंदर नहीं है। वो दरगुजर करने वाले थे, उनकी वो चीजें किसने ले ली, पूरी दुनिया को जमा करने वाले, यहां दो भाई बैठ नहीं सकते। कौन से तुम दो खलीफा नहीं बैठ सकते, इल्मी इख्तिलाफ हम दो मौलवी नहीं बैठ सकते, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कहता है उधर मत जाओ। तुम ये क्यों बनते हो, मोहम्मदी क्यों नहीं बनते, जहां सब जमा हो जाते हैं। इस सनद अपने पास जरूर रखो मगर बनना मोहम्मदी है। अगर देवबंदी है तो मकसद मोहम्मदी है, अगर बरेलवी है तो मकसद मोहम्मदी बनाए, अगर अहले हदीस है तो मकसद मोहम्मदी बने, अगर किसी भी जमात से मुसलमान के मकसद मोहम्मदी बना दे, मोहम्मदी बनना तुम्हारा मकसद हो, तुम्हारी लड़ाई वहां जाके खत्म हो जाएंगी, यहां रह के लड़ते रहोगे। ये किसने सिखाया,
ये हमारे काबिल ने सिखाया, ये किसने सिखाया, ये हजरत नानोतवी ने सिखाया, ये किसने सिखाया। लाडली काले को कहते हुए कि ऊपर से इंग्लिस्तानी होंगे और ऊपर से हिंदुस्तानी और अंदर से इंग्लिस्तानी होंगे। फरमाए हम ऐसे लोग बनाएंगे जो ऊपर से इंग्लिस्तानी होंगे अंदर से मोहम्मदी होंगे। क्या होंगे? देवबंद का मकसद क्या है? तेरे ऊपर का लिबास नहीं, अंदर से मोहम्मदी बनाना। क्या बनाएंगे? ऊपर से नहीं, ऊपर तो है मगर तुम्हारे मुकाबले में ऐसे बनाएंगे जो ऊपर से इंग्लिस्तानी होंगे अंदर से मोहम्मदी होंगे। क्यों? वो मोमिन है, वो आंख वाले, वो देखते हैं। जमाने और तगयुरात होते हैं, अंदर से मोहम्मदी हो गए, यही कामयाबी है। असल कामयाबी क्या है? अंदर से मोहम्मदी होना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे, लिबास ईसाइयों का पहना हुआ है, पादरी पादरियों के उसमें बैठे हुए, अंदर का मोहम्मदी है। लिबास कोई भी पहन लिया, बैठ गए पादरी की जादूगर दल, वरना जबान कैसे बंद हो गई? तस्खीर कर रहा था, जबान क्यों बंद हो गई? आम लोग बैठे क्यों बंद हो गई? अल्लाह उस वली को इल्हाम कर रहा है, इल्का हो रहा है एक दिन से, तू जा खामोश, एक दिन इंतजार, फिर इल्का हुआ, जा इस चर्च के अंदर, फिर बंद, फिर इल्का हुआ, जा इस चर्च में, क्योंकि ये पादरी नहीं, ये जादूगर है। पादरियों के साथ जादूगर, ये शयातीन मददगार हो जाते हैं इनके, अंदर जा रहे, कोई तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि जादू नहीं मान। ऐसे किसी की जबान क्यों बंद नहीं हुई? ये नुक्ते तुम्हें नजर नहीं आएंगे, हमें नजर आते हैं। ऐसे क्यों जबान है यार? वही सही बोलते, मगर इसकी जबान क्यों बंद हो रही है? इसलिए कि वो साहिर था, वो जादूगर था, उसकी आंख, उसकी तवज्जो चीज उसने खोले, इसने लोगों को पकड़ा हुआ था, गुमराह कर रहा था। आप लिबास पहनकर भी ईसाइयों के गए, मालूमात भी पूरी थी उसको, ईमान उसका भी, वक्त आ गया, असबाब कैसे बन रहे? वो नहीं आ रहा, वली जा रहा है। वो तुम इन राजों को नहीं जानते, लिबास किया मौलवियों वाला पहन के जा रहा है, मौलवी बन के चला गया। बात अंदर की है, चले गए ईसाइयों का लिबास पहना है, तकरीर कर रहे, कर रहा है जैसे आप बैठे, जबान बंद हो गई। किसी ने कहा आप तो फरफर बोल रहे थे, ये आपकी जबान कहां से बंद हो गई? कहा हम में कोई मोहम्मदी आया है। हम में कोई मोहम्मदी आया है। कहा कत्ल कर दे। कहा नहीं, सवाल करेंगे। कहा जो भी मोहम्मदी है उठ जाओ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उठ गए। पूछा जो पूछूंगा जवाब देगा, फरमाया दूंगा, फिर फरमाया मैं पूछूंगा तो देगा। कहा दूंगा। बड़ा मशहूर मुकालमा है, सवाल जवाब शुरू, पहले तुम पूछो। कहने पहले तुम पूछो। वो एक क्या जिसका दूसरा नहीं। देखो ईसाई भी मान रहा है, फरमाया अल्लाह। वो एक है मगर उसका दूसरा नहीं। वो दो क्या जिसका तीसरा नहीं। कहा दिन और रात, ये दो है मगर तीन नहीं। वो तीन क्या है जिसका चौथा नहीं। कहा लोह कलम कुर्सी, ये तीन है मगर चार नहीं। वो चार क्या है जिसका पांचवा नहीं। फरमाया आसमानी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान।
वो पांच क्या है जिसका छठा नहीं फर्ज, पांच नमाज हम पर फर्ज है, छह नहीं। वो छह क्या है जिसका सातवां नहीं, अल्लाह ने जमीन और आसमान को छह दिनों में बनाया सात में नहीं। वो सात क्या जिसका आठ बार नहीं, हफ्ते में सात दिन है आठ नहीं। वो आठ क्या जिसका नौ नहीं, अर्श को आठ फरिश्तों ने थामा नौ ने नहीं। वो नौ क्या जिसका दसवां नहीं, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के नौ भाई थे दस नहीं। वो दस क्या है जिसका ग्यारहवां नहीं, तो क्या है वल फज्र व लयाली अश्र, ये दस है ग्यारह नहीं। वो ग्यारह क्या है जिसका बाद नौ कौम आद और समूद के नौ बनना थे, उन्होंने तबाह किया था, वो नौ थे दस नहीं। वो ग्यारह क्या है जिसके बारह नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ग्यारह भाई थे बारह नहीं। वो बारह क्या है जिसका तेरहवां नहीं, और मैं साल में बारह महीने तेरह नहीं। वो तेरह क्या है जिसका चौदहवां नहीं, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तेरह चीजों ने सजदा किया था चौदह ने नहीं। चौदह क्या है जिसका पंद्रह नहीं, कहा सात जमीन सात आसमान, सात जमीन सात आसमान। वो कौन से दो भाई है, वो कौन सा शख्स है जो दोनों एक दिन मां के पेट से, मगर एक सौ साल छोटा एक सौ साल बड़ा है, का उज़ैर अलैहिस्सलाम और अजीज। वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खाने काबा का तवाफ किया, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का, वो कौन सी कौम है जिन्होंने झूठ बोला जन्नत में जाएंगे, का यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, उन्होंने झूठ बोला था कि हमने यूसुफ को कत्ल कर दिया मगर फिर भी जाने। कहो दो कौन सी कौम है जो सच बोलती है मगर दोनों जहन्नुमी है, का यहूद और नसारा। यहूद कहते हैं नसारा जहन्नुमी, नसारा कहते हैं यहूदी जहन्नुमी में, दोनों सच बोलते क्या वो कौन सी शय जिसको अल्लाह ने पैदा किया और उसकी अजमत का एतराफ किया है, औरत का मकर, तो पहली जो गलती की कि नौ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे वो गलती, वो नौ कौम आद और समूद के लोग थे, ग्यारह यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो कौन सी जमीन है जिस पर सूरज की रोशनी सिर्फ एक ही दफा पड़ी है फिर नहीं पड़ी, अब बहरे कुलजुम। ये सत्ताईस अट्ठाईस सवाल आते जिनका जवाब उन्होंने फर फर दिया है। तो अब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जो मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, याद रखो इधर की दलीलें मत दो उधर की दलीलें। एंड का जवाब क्या है सुन, का जवाब दूंगा। फरमाया बताओ जन्नत की कुंजी कौन है, हाय 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 चुप 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 चुप, कोई जवाब नहीं है, खामोश हो गया। लोगों ने कहा आपने इतने पूछे उससे फौरन जवाब दिया, आप क्या जवाब पूछा आता है तुम लोग मानोगे नहीं। कहा क्या, कहा जन्नत की कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब के सब मुसलमान हो गए, जो अंदर से मोहम्मदी बनकर गया वो सबको मुसलमान कर गया। ये थोड़ी के ऊपर से हम स्टिक वो करेंगे और अंदर करेंगे, दोनों बनना है। लेकिन एक वक्त ऐसी तुम पर पड़े कि अगर ऊपर का नजर ना है मगर अंदर अगर खराब ना हो। कभी कभी हिकमत के तौर पे ऊपर को वो करना पड़ता है मगर ये अंदर का खराब नहीं होना चाहिए। समझ आई, अंदर का खराब हो गया तो समझ लो मामला तुमने गड़बड़ कर दिया।
इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, पहले खुद जन्नती बन जाओ, फिर दूसरों को जन्नत के सर्टिफिकेट तुम नहीं दे सकते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान नेकियां करते 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 ऐसे पहुंच जाएगा कि जन्नत से एक बार फिर ऐसा काम करेगा कि जहन्नम। एक आदमी बुराइयां करते करते इतना करीब चला जाएगा कि जहन्नम, मगर ऐसा काम करेगा कि जन्नत में। ये मौका भी इंसान पर आता है, इसको याद रखो कि कहीं अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह हमें इससे पनाह में रखे, हमें उनमें रखे कि जो जन्नत में जाए। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी नेकी कबूल नहीं, मगर अपनी नेकियां जाया भी मत करो। कौन किसके हाँ क्या है, वो शाह को गदा कर दे, गदा को शाह कर दे, इशारा उसका काफी है बढ़ाने में घटाने में। किसी को क्या कर दे, कब कर दे, कैसे कर दे, अंधा एतिकाद हमारा उस पर है जो कुरान और सुन्नत से सर। वो अंधा है, उसके बाद जो भी आए दलील दे, हमने क्या किया, ये रुतबा इनको दे दिया, उसको दलील पे रख दिया, इसको बिला दलील रख दिया। जहां बिला दलील होना चाहिए वहां दलील मांगते हैं, और जहां दलील होनी चाहिए वहां बिला दलील मांगते हैं। हजरत ये क्या है, इस तरह की वो बनाते हैं, उस तरह की बनाते हैं। मैंने कहा हम जब ख्वातीन के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे तो क्या हमारे लिए जायज हो जाएगा, और जो दूसरा करे उसके लिए नाजायज हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। फिर एक कहीं दोनों के लिए होगा, ये थोड़ी कि मैं करूं तो हम करे तो चमत्कार, हो करे तो बलात्कार है। गलत तो गलत होगा, दोनों के लिए होगी। आप अपने नफ्स के पैरों, उसका नियत क्या है, उसका दिल क्या, अल्लाह जान। हम क्या करते हैं जी, आप कौन है जी? जी मौलाना है, शाजियों की पूछे, आप पूछो जी आप कौन है? जी मैं मौलाना जी। फिर आप फतवा देना जानते हैं? कह जी नहीं। तो फिर आप क्या जानते हैं? कह जी जो फतवा देता है उस पर एतराज करना जानते हैं। वो आता है हमको, देना नहीं आता। आप क्या है जी? सूफी साहब। अच्छा जी, फिर तो आपको असबाक आते हैं जी, वो नहीं आते। तो फिर आपको क्या आता है? जो कराता है उस पर एतराज करना आता है जी। आप आमिल हैं? जी नहीं। क्यों? फिर आपको क्या आता है? का जो इलाज करते उस पर एतराज करना आता है, करना नहीं आता। ऐसे ही है, क्योंकि वो बड़े हजरत हैं, वो कर सकते हैं। फिर जब मरीज उनके पास आता है, आमिल ऐसे ये गाय काटते हैं, बकरे काटते हैं, फलां करते हैं, लूटते हैं, पुरुषते हैं, कसूटते हैं, डबकाना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किसी को देखा ना तोहमत की बारिश शुरू हो जाएगी। जब मरीज सामने आता है, मेरा तो एक काम नहीं है, किसी अच्छे आमिल को दिखाए। हजरत आपने तो अभी पूरी माँ बहन एक कर दी उसकी। आप हमें उन्हीं हरामियों के पास भेज रहे। आप उन्हीं के पास भेज रहे जहां हमारा ईमान खतरे में, जहां हमारा माल खतरे में, जहां हमारी जान खतरे में, हर चीज हमारी खतरे में। अब आप बताएं हम क्या करें? माजरत के साथ मुझे एक काम नहीं आ रहा। खुदा पाक,
दूसरे की तकबीर उला देखता है, खुद सारी रात सो रहा था। जैसे अल्लाह का तुझसे अल्लाह पूछेगा, मुझसे अल्लाह पूछेगा, तुमसे नहीं पूछेगा। सवाल क्या करेंगे? अगर कयामत के दिन अल्लाह ने आपसे पूछ लिया तो आपके पास क्या जिब्राइल खत लेकर आए थे कि अल्लाह यही पूछेगा? या अल्लाह ने आपको बता दिया कि मैं इससे कयामत के दिन यही सवाल करूंगा? कोई सर्टिफिकेट है? नहीं। अगर कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया कैमरा ऐसा था और फना ऐसा था, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? मैंने कहा अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि जायज था, तूने किस लिए आराम का, तेरे पास क्या जवाब होगा? तू कैसे उस अल्लाह तो तुमसे पूछ, अल्लाह तो तुम्हारे कैमरे दिखाएगा, तुम्हारी वीडियो दिखाएगा, उस वक्त अल्लाह दिखाएगा, कहेगा ये देख, तेरे एक हाथ गवाही दे रहे हैं, ये सब कुछ गवाही दे रहे हैं, ये देख ले, ये तेरी फिल्म चल रही है, देखता जा। कब करेगा? जब मुनकर हो जाएगा। अल्लाह तुझे तस्वीरें थोड़ी दिखाएगा कि तेरी भूतें दिखाएगा, तेरे गद्दे अक्स के साथ सारी नजर आ जाएंगी, तो ये देख ले पूरा रिकॉर्ड तुम्हारा सामने। इसलिए अपने से ऐसे सवाल करेंगे कयामत के दिन अल्लाह ने ये पूछ लिया, जैसे अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा हमसे ही पूछेगा। सारी पूछगछ तुम लोगों से होगी, बाकी इनसे कुछ नहीं होगी। ये बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने वाली कौम है कि नहीं? यही होता है कि नहीं होता? मौलवी साहब फतवा दे दो, फतवे पे एतराज मुफ्ती करेगा, तू करेगा तो फिर हवालों के साथ करा जा। कहां से फारिग है? हम फारिग नहीं है, हम मसरूफ लोग हैं। लोग हमें टेलीफोन कर करके थक जाते हैं, हम फोन नहीं उठाते, समझे ना? हम सबसे ज्यादा मसरूफ लोग हैं, फारिग उन लोग, इसलिए तो शैतान हमारी खोपड़ी में डाला हुआ है। कोई पूछता पूछता है नहीं बात, जो फारिग होते हैं वो शैतान का घर होता है। क्योंकि इसको कोई जानता नहीं है, मशहूर आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। हम ये नहीं कहते कि तुम अगर हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मगर अपने अमल जाया नहीं करो। क्यों? कि जो किसी की गिबत करता है, मेरा तो ऐसे भी खाता खुला हुआ है, जो करेगा फ्री में आ रहा है, अकाउंट है ट्रांसफर। हसद करोगे तुम्हारी नेकियां जलेंगी, मैं नहीं करूंगा, मेरा दिमाग खराब है, तुम्हारे अपने दिल खराब करो। जो गिबत कर रहा है, अल्लाह मेरे अकाउंट में ऐसे पैसे आ रहे हैं, माल आ रहा है, इसको कहते हैं ऑनलाइन अकाउंट। कौन सा ऑनलाइन अकाउंट कहते हैं? तेरे को पता नहीं तेरे अकाउंट में आ रहा है, इसको कहते ऑनलाइन। खुद पर खुद कि जो भी गीबत करेगा आपके खाते में, याद रखो जो तुम्हारी गीबत करता है तुम्हारे मजे। क्या हो गया? इधर आ गया अकाउंट में नेकी और उधर चला गया गुनाह। अल गीबत अशद्द मिन अज़्ज़िना। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकला है। लिहाजा जो तुम्हारी गीबत कर रहा है तुम गुस्से में मत आओ, मजे करो, ऐश करो। हमारे हजरत फरमाते थे बंदा गीबत करता तो हजरत मिठाई का बेचते थे। तो जब मिठाई बेचते थे उन्होंने कहा कि हजरत तो उसकी गीबत, उसने गीबत रोक दी। जब उसने गीबत रोक दी तो हजरत ने मिठाई रोक दी। तो कहने आया हजरत मैं आपकी तरफ से मिठाई आना बंद हो गई, आपकी तरफ से भी आना बंद हो गई। कैसे? फरमाया तुम गीबत करते थे तो मेरे अकाउंट में नेकियां पड़ती थी, तो मैंने कहा मैं भी कुछ अच्छा करूं, तुम्हें मिठाई भेज देता था। आपने भी भेजना छोड़ दिया तो हमने भी भेजना छोड़ दिया।
वो पड़ोस में एक दिन पड़ोस वाले क्या करते, कचरा अंदर फेंक देते खिड़की से, सारा दारू लिफ्ता तंग तंग। अब हजरत ने कहा सख्ती करेंगे, हजरत ने क्या किया हदिया भेजने शुरू कर दिया। तो एक दिन वो शख्स आया कि हजरत आपकी तरफ से बहुत हदिया है, मैं भी मिलने आऊं। सोचा हम भी प्यार करते हैं, आपके घर से तो रोज आता है। देखो कचरा, ये आपके घर से रोजाना हदिया आता है, इसलिए तो हम भेज रहे। तो उसके बाद उसने घर में वो बंद हो गया, वो आ गए कचरा आना बंद। ये अखलाकियात होते, ये अमल है। पैसों पे नहीं लड़ो। दो बंदों के अंदर लड़ाई हुई, पांच पांच हजार रुपए। हजरत ने 10,000 रुपए मंगाए, 5,000 एक को दिए, 5,000 दूसरे का, जाओ लड़ाई खत्म। उसने एकदम छोड़ दिए दोनों ने अपने पैसे। मैंने बारहा का किस तरह ऐसे नहीं बनते। मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जाते थे अपने खानदान के पास और वो पीठ पैर लेते थे ऐसे। इतना आसानी से तो नहीं बने ना। तो पूछते घर में खैर है, हम तो फिर भी गर्म हो जाते हैं उनके। हाँ ठीक है, किस लिए आए हो, वापस चले जाओ। साथ में जो मुरीद होता था ना उसके पेट में मरोड़ शुरू हो जाते। हजरत अच्छा मैं फिर आऊंगा। हाँ हाँ आपके आने की जरूरत नहीं है। किस तरह की वो किया करते होंगे। आगे से उन्होंने क्या फरमाया जब मुरीद जाने लगे, हजरत आप अब भी आएंगे? फरमाया अब भी आऊंगा, तुम्हारे पेट में दर्द होता है मत आओ, मैं तो फिर भी आऊंगा। वही खानदान ऐसा मुरीद बना कि उन्होंने कहा अगर हम जिंदगी में किसी से बैत होंगे तो वो मौलाना जकरिया होगा और किसी पीर से बैत होने का सवाल ही नहीं। तुम्हारी मोहब्बत का सिला लोगों के भाई, खूबियां देखो, छोटी छोटी बातों पर दिल में लेना, बड़ी बड़ी बातों को सहना सीख जाओ, तब ही कायनात तुम्हारे कदमों में आएगी, कभी तुम में एका होगा। बेलोस मोहब्बत करो, बेलोस खिदमत करो, दुनिया के साथ बेलोस, अल्लाह की रजा के लिए करो, अल्लाह इससे खुश हो। मिसाल के तौर पे देख लो कुफार आज भी कितनी गालियां देते हैं। कोई मुसलमान उनको अच्छा तो नहीं बोलता इस चीजों से, लेकिन फिर भी लोगों के साथ कर रहे हैं। वो इतने शरीफ है, उनका शैतान उनको बताता है ये काम तुमने छोड़ देने दुनिया तुमसे चली जाएगी। बात वही आ गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। ये चीजें सिखाई किसने? हुजूर ने। ये तमाम चीजें आज आपको सिखाई किसने? हुजूर ने। आज वही चीज अदाकार उठा के उसे कुफर पे ला रहा है, अंग्रेज उसको उठा करके अपने नाम कर, लेकिन वो तो उसको उमर ला बोलते हैं। हिंदुस्तान का मीडिया अकबर बादशाह का पैरोकार बना हुआ है। वैसे तो राम राम करते कर रहे होते, असल ये अकबर के मूली दे सारे चाहने वाले, ये पूरा जो है ना एक इंसानियत को करते। इंसान इंसान बड़ा है, 4 रुपए खर्च करते हो इंसान, 100 इंसान तेरे सर पे पूरे पाकिस्तान के, अल्लाह नबी उनका खाना पूरा नहीं करते, तू क्या पूरा करेगा? इंसान इंसान करते 4 दिन में तेरे घर पे हर इंसान के साथ मिलता है, हर गरीब के साथ तेरी मुलाकात होती है, सारे तेरे लाखों फैन कतार में खड़े हैं, सबसे एक साथ मिलके दिखा दे फिर तेरे को मान जाऊंगा ये दावा तेरा कि तू बड़ा इंसानियत की कदर करने वाला है। जो तुम्हारी मुखालफत में बात करे उसको गले लगाओ, जो तुम्हें जलील करे तुम लगाओ,
जो तुम्हें बुरा भला कहे तब लगाओ, मान जाऊंगा तुम्हें। शक्ल देखिए अपनी, ये अखलाक जो आज बयान करते हो ये तुम्हारे अंदर दूर तक भी नहीं है, मेरे आका ने सिखाया। ये उसको पढ़ के कि उसको बांधा हुआ है। हुजूर ने फरमाया देख तो लो मेरी तरफ, का नहीं देखूंगा तेरी तरफ। इतना सख्त निगाह का सिर्फ ऊपर देख ले, कई दिन तक लटका मगर नहीं। और फिर जब इसकी सख्ती तो हुजूर ने फरमाया इसको रिहा कर दो। जब उसने अल्फाज सुने तो सिर्फ आंखों से आप अलैहि सलाम के कदम मुबारक देखे और वहीं से आशिक हो गया, कलमा पढ़ लिया। ये अखलाक इस दुनिया को देने वाले मेरे आका है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उनका नाम लेवा ये बोलते हैं। ये जो औरत आज औरत मार्च करते हो और ये जो ह्यूमन राइट्स बनाए हुए तुम लोगों ने, पिछली तारीख पढ़ो कि औरत के साथ क्या होता था। आज औरत को बहन की, माँ की, बीवी की ये टाइटल देने वाला है कौन? बेटी का, इंसानियत का ये टाइटल किसने दिए? ये हुकूक किसने बताए? हुजूर ने बताए। क्या टाइटल है? जो शख्स अपनी बीवी की जली कटी बर्दाश्त करता है चलता फिरता जन्नती है। सबब कौन बन रही? औरत, बीवी। बेटी क्या है? जिसकी तीन बेटियां होगी तरबियत करे और उसकी शादी कराए अल्लाह उसको जन्नत देगा। किसी ने कहा या रसूलल्लाह दो, फरमाया दो वाली, किसी की एक हो फरमाया एक वाली। ये कदर और मंजिलत कौन बता रहा है? हुजूर बता रहे। हमारी प्रॉपर्टी आज हिंदू भी बोलते हैं कि मोहम्मद सिर्फ तुम्हारे तो नहीं है, हम तो कहते कायनात उनकी वजह से, मगर सिर्फ मोहब्बत के नाम से तुम मोहम्मदी नहीं हो जाओगे। कलमा सच्चे दिल से पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, तब मोहम्मद तुम्हारे भी होगी। वो ईमान के साथ है, जो उनका कलमा पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। मुसलमान बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन वो काफिर, उन्होंने बता दिया, उन्होंने ऐसी चीजें बनाई। वो कहते हैं कि ये तुम्हें हुजूर ने नहीं सिखाया, हुजूर ये नहीं बता कर गए, हुजूर ये नहीं बता कर गए, हुजूर ये नहीं बता कर गए। वो चर्च पे जब हुआ था पिशावर में, वो औरत क्या कह रही थी? गलती इस मुसलमानों के नाम पे तो मुसलमान कर रहे थे, मगर मोहम्मद और इस्लाम के नाम पे नाम नहीं आ रहा। वहां क्या हो रहा है? ये हुजूर ने नहीं सिखाया है, ये मोहम्मद ने नहीं सिखाया है, ये कुरान ने तुम्हें नहीं सिखाया है। वो इंसानियत के दर्श देने वाले, इंसानियत की कदर करने वाले कौन बोल रहे हैं? काफरा बोल रहे। मुसलमान हार गया मगर इस्लाम जीत गया। क्या मुसलमान हार जाएगा मगर इस्लाम कभी नहीं हारेगा? इसलिए कह रहा हूं हम तो उनके मानने वाले, वो सारे कुफार बैठ गए एक जगह पे, तुम सब मुसलमान एक जगह नहीं बैठ सकते। किसी को अगर गुमराह भी मानते हो है तो मुसलमान ना, या दायरे इस्लाम से खारिज है। और दावत नफरत से नहीं दी जाती,
इसलाह अगर किसी की करनी हो तो मोहब्बत से करो और दर्द के साथ करो और अल्लाह से दुआएं मांगो। तेरी तकरीरों से किसी को इसलाह होने इस तरह नहीं होगी कि कोई मुसले हो जाए। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा। इसलिए जोड़ना सीखो। आप अलैहिस्सलाम खुश होते हैं कि हम हुजूर की उम्मत को जोड़ने वाले बने। बाज़ कहेंगे कि यार हम इधर उधर क्यों नहीं जाते फला। भाई हमें पता है एक बंदा हिदायत का काम कर रहा है, उसके साथ हमारा थोड़ी कोई काम। एक जगह है ही रोशनी तो वहां क्यों जाए। आप मीडिया पर क्यों गए थे? मीडिया पर हम जैसे ही जा सकते हैं। तुम तो पाकीज़ा लोग हो। हमारा नजरिया है हम इसलिए गए थे। तुम बोलते गए, अब हर किसी के कैमरे लग गए। लगे कि नहीं लगे? क्योंकि खुल गया कि चीज ठीक है। तो मीडिया पे क्यों गए? भाई ईमान की जरूरत, इस्लाह की जरूरत, दावत की जरूरत मीडिया पर है। वहां लोगों में दीन की कमी है, वहां हक की कमी है। मदारिस में थोड़ी है, मौलवी को थोड़ी है, वो तो पढ़ ही रहा है। तबलीगी को थोड़ी। यहां तो सिर्फ बरकत है, वहां तो फर्ज है कि अवाम को पता चले कि भाई ये गुमराही है। अब जो खातून वहां बैठ रही है उसको क्या पता है? वो तो अपने जहन से इस्लाम लेके बैठी, लेकिन चलते चलते उसके दिमाग में भी बात आना शुरू हुई। अब आप कहते हो कि एक ही दिन में सब मुसलमान हो जाए तो ऐसे तो नहीं हो सकता। हक राह बतानी होती है, किसी को मासूम थोड़ी बनाया जा सकता है। व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र। दावत किस चीज की? ईमान की है, अमल की है, हक की और सब्र की। अब मैं उसको कहती हूँ यही फलानी। अब ये भी दावत देने के तरीके। एक तवाइफ थी, सारी दुनिया उससे तंग थी। उस वक्त उसकी टिकट ज्यादा थी। जाने वाला कौन है? हजरत इसने बड़ा पूरा मोहल्ला खराब किया है। गालिबन जुनैद बगदादी का वाकया है। फरमाया आज की रात हमारी ले लो। मुरीद तो झटके में आ गए सारे। शायद अब तुम नहीं है, तुम्हारे लिए उनके लिए। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। अच्छा जी, रात गए। पूछा मैं क्या करना पड़ेगा? फरमाया आज मैं सारी रात आपकी बात मानूंगा। अच्छा तो फिर जाओ गुस्ल करो, कपड़े हया वाले पहनो। ठीक हो गया, पहन लिया। अब क्या करें? ऐसा ना करे दो रकात नफिल तुम पढ़ो, दो रकात नफिल हम पढ़ेंगे। काम तो सारी रात लोग ना चाहते हैं, तो नफिल पढ़ा रहे हैं। वो उधर इधर जानिमाज में कहा, या अल्लाह दुनिया की बुराइयों से काट के खड़ा करना तेरी तरफ मेरा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। और उसके बाद उस पर हिदायत कैसे धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गया। अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, अल्लाह वाला बना दिया। अब हम तो नहीं है, हमारी जबानों में वो तासीर है, लेकिन दावत तो न कहीं शौक से गए न जौक से गए। समझ लो हमें बड़ा तरीके से लेके जाया गया, वहां बैठाया गया। जब हमने पूछा भाई एंकर कौन होगा, कह रहा लड़का होगा। पता था कि यहां से गायब कर जाएगा। जब वहां गए तो लड़की। मैंने कहा मैं तो प्रोग्राम नहीं करूंगा। आगे से उसने जो दूसरा पैंथरा मारा ना, वो मौलियों वाला मारा। कह रहे हजरत इसने बड़े बड़े मौलियों की बेइज्जती की, मैं लाया आपको इसीलिए कि आप इसको चुप करा।
मैंने कहा अच्छा, जब मैंने कहा मौलवी हो गया, मेरा भी जो है ना वो जाग गया मौलवी वाला जो है ना पड़क, मैंने कहा ठीक है अब नहीं जाऊंगा। और अल्लाह ने उसमें इस्तीफा जब इस्तीफा बैठ जा जाना है। जब हम बैठे तो अब एक शख्स मुझे आके कहते हैं कि इस वक्त 54-55 ममालिक आपको देख रहे हैं। तो उस वक्त मेरे दिमाग की घंटियां सारी होने हिलना शुरू। मैंने कहा अगर हम सारी जिंदगी भी सीने की दावत दे तो इनके एक मिनट के प्रोपेगंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा बतौर हथियार यही हथियार है कि मीडिया इस्तेमाल करो। और अपने सिलसिले का जोर तो हमने देखा है। मीडिया पे बैठे तो मीडिया मजबूत हो गया, सोशल मीडिया पे बैठे तो सोशल मीडिया मजबूत हो गया। तो ये चीजें यहाँ तो खता ही खता होती है। हमारा वाला चला गया वहां पर एहराम बांध के आ गया होटल से, जैसे ही नीचे आया खाना खामा में कानून बन गया कि बगैर एहराम के यहाँ कोई घूमेगा ही नहीं। आज के सारे कपड़े वाले बार ऊपर जो नीचे गा गए वो खाने खामे वो घूमेंगे। तेरे को किसने बोला था भाई एहराम बांध के नीचे आ गया तो नीचे अब कमीज वालों को भी नहीं छोड़ रहे। जो जो भी उम्र करेगा वो उम्र वालों को छोड़ते ऊपर ऊपर तवाफ करते थे। वो सख्ती शुरू होगी। जब हम उम्र पे गए तो अब रमजान में कपड़े पहने कोई इधर से भगा रहा है कोई उधर से भगा रहा है, जाना काबे की तरफ। मेरे काम भी पाकिस्तानी है। मैंने कहा चल, कह रहे वो कह रहा हजरत क्या करे, मैंने कहा आ जा पाकिस्तानी पहन रहा सीधा कपड़े उतारे राम बांधना चल बबले बस बिना टिकट सीधा अंदर के काबे। कह रहे ये कौन सा है, मैंने कहा ये भी ट्रिक, टेंशन नहीं ले चल, ये कितना रोक कपड़े से रोकेगा चल, अल्लाह रहे कि काबे को मार दो लिहाज हम भी चादर पहन के आ रहे। तो ये जिंदगी है, मजा आता है। अल्लाह हमें दोबारा तौफीक दे, काफिले दोबारा जाए, शाजमी आए जाए। हम जिद्दे हो गए थे रमजान के, हजरत रमजान गुजारेंगे, जब से रमजान नहीं है कोरोना हो गया रमजान में लोग जाएंगे रे, वो सब चीजें खत्म हो गई, अब दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह। वही रमजान गुजारो, अल्लाह तौफीक दे। पहले इन बेगमों को ले जा करके इनकी उम्र पूरे कर दे ताकि छुट्टी हो जाए। तो मोहब्बत फैलाना सीख, नफरत ये नहीं कि कहीं नेकी के वक्त तुम्हें चोट लग जाए और नेकी छोड़ दो। नेकी फैलाने के लिए हजारों कांटे बिछा दे, सब कुछ कुर्बान करवा दे, सख्तियां करवा दे, मगर नेकी नहीं छोड़नी है, नेकी का रास्ता बंद नहीं करना। इबलीस रोकने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करे और तुम बेजार आ जाओ। नेक काम से बेजार नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेक राह में भी छोटे पड़ती है, गिरता है बंदा, कांटे भी पड़ते हैं, मगर वो कांटे तुमने नहीं डाले, कांटा कोई और डालता है, उस पे तुम्हारे पैर आ जाते हैं। तौबा के साथ अपनी जिंदगी तौबा से मुजयन करो, अस्तगफार कसरत से पढ़ो, अल्लाह हमारे गुनाह माफ करे। कोई दीनदार या मौलवी तुम्हारे खिलाफ बात करते तो कम से कम अगर दलाइल दे तो ठीक है। एक वक्त आएगा आएगा यही तुम्हारे पास, क्योंकि ये कुंडा ऐसा है जो मुखालफत करता है, जो बोलता है फिर वही कुंडी खोलता है। क्या जो बोलता है वही कुंडी खोलता है। कहा मुफ्ती साहब ख्वाब को तो मानते मगर ख्वाब में खिलाफत को नहीं मानते। मैंने कहा तो खिलाफत को नहीं मानते तो ख्वाब को नहीं मानना। ख्वाब गैर इख्तियारी है, बल्ला अब वो एक बंदा तस्वुरात कर रहा होता है, हम भी मानते कि हमारे किस गए एक, लेकिन एक सिलसिला अगर अल्लाह ने दे दिया उसकी निस्बत कभी होगी, उसमें मुरीदों को ये ख्वाब आएंगे मगर उसका मतलब सिलसिला ही होगा। ये नहीं कि हर आदमी का अलग अलग सिलसिला हो जाएगा, ये गलत, ये नुकसान दे। इसकी ताबीर ये कि ये सिलसिला ओवैसी है, इसको ओवैसी निस्बत हासिल है, इसलिए तुम्हें ये भी मिल रही है। तो तुम भी इस सिलसिले के ओवैसी होते जा रहे हो, एक बदनी सनत है और एक ओवैसी सनत है।
इसकी ताबीर यही है, कहीं इधर उधर मत चले जाना, कहीं हुजूर की तरफ से खिलाफ मत मिल गए जी मुझे अलग मिल गए, नहीं ये इसी सिलसिले की तरफ से, ये इसकी सनत पे जाएगा क्योंकि तुम्हें इसके अस्बाक से हासिल हो रहा। शैतान आके तुम्हें बोलेगा चीज ओरिजिनल है ना, फिर आगे अपनी देख तेरे को पीर की क्या जरूरत है, इतना बड़ा बन गया तू, मैंने इधर साइन किया मैंने उधर साइन किया, फिर जब साइन का जोर आता है फिर सारा साइन निकल जाता है। जुमेरात के दिन अगला अगर इंशाल्लाह रहा आगे आज तक, फिर सारे साथियों को बुलाएंगे जितने भी सीनियर साथी हैं सीखने वाले, फिर तुम्हारी क्लासें लूंगा, वो वाली क्लासें नहीं सिखाने वाली लूंगा, तुम समझ रहे हो कौन सी क्लास लूंगा, समझ गए। ये जो इधर उधर पड़ रहे होते हो कभी तेरे को एक ये सारे छूरन जो तुम्हें इतना मजबूत अमल ये फलाए उसके लिए, मगर तेरे लिए नहीं, ये तुम्हें आज मैं फिर बता दूं, क्योंकि तू जो पी कर आया ना उसके लिए है, क्योंकि उसने तुम्हारे घाट का पानी नहीं पिया। तू वो मत बन कि धोबी का कुत्ता नगर का न घाट का, समझे, उसके लिए है मगर तू अपनी नियमत की कदर कर। दूसरों पर एतराज न कर, अल्लाह ने जो आपको नियमत दी बस उस पर शुक्र अदा करो, नमाज की पाबंदी कर, सख्ती के साथ नमाज पढ़ो, चाहे शवाबीन इशराक तहज्जुद पढ़ो, एक माजूर और सारे माजूर मत बनो, इसकी फिक्र करो, मामलात को दुरुस्त करो, मामलात से तुम्हारे मामला ठीक हो गए अल्लाह दुनिया तुम्हारे कदम में डाल देगा। वो एक आएगा जी तुम्हें सिखाया ना हजरत मेरे पास आता ही क्या है, मैंने कहा जो एक रुपए के मामला का खराब है वो करोड़ों का भी खराब है, जो एक रुपए का चोर होगा वो करोड़ों का भी चोर हो जाएगा। मामला को दुरुस्त में चोरी नहीं मगर मामला की खराबी आ जाएगी, नहीं मामला दुरुस्त रखो ये तुम्हारी तरबियत के लिए किया जाएगा, क्योंकि मामलात की दुरुस्ती के बाद अल्लाह की तरफ से गैब के खजाने खुलते। पहले अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम किसी का हक तो नहीं खाते, मामलात तो नहीं करते, इसमें पास, फिर जो दरवाजा खुल जाए उसको बताना मत, वो कारगुजारी सुनाना मत, वरना तेरी कार ही गुजर जाएगी, क्या हो जाएगी। वो एक मौली साहब ने बयान किया कि जो अल्लाह की राह में एक रुपया देता है उसको दस रुपए मिलते हैं, तो देहाती बेटा हिसाब लगा रहा था उसके पास दस अशरफिया थी, उसने कहा दस तो एक का दस दस का सौ, उसने पूरे इसी इरादे से दस जो है बांट दी। अब सुबह हुई सौ नहीं आए, तो पैर हो गई सौ नहीं आए, शाम हो गई सौ नहीं आए, अब बेचारे को होलो होलो पेट में मरोड़ आ गया, क्या अल्लाह ये क्या हो गया, मैंने तो सुना था यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे दस लगे बेचारा भाग गया उधर खेत में और परेशान। खेत में जब इंसान बैठता ना तो फिर वो उंगलियां मारता, देखा तो एक थैली निकल आई उसमें सौ अशरफियां थी, साफ आ गए भागता हुआ मौली साहब के पास, काम मौली साहब कम से कम बयान तो पूरा किया गया। बयान भी अधूरा करते हो, ये भी बोला करो कि साथ सौ मरोड़े भी आती है, तो हम बयान पूरा कर रहे हैं भाई, पहले अल्लाह तुम्हें तोड़ेगा फिर मरोड़ेगा, क्या करेगा। और इस तोर मरोड़ में अगर तेरी निगाह किसी गैर की तरफ नहीं गई, इस्तिकामत बरकरार रही,
अपने अमल पे नजर नहीं गई, अल्लाह के फजल और कुदरत पे गई तो इंशाल्लाह तेरा बेड़ा पार है। हुजूर फरमा दे जिस घर में सूरह वाकया उसमें फाका ना हो, ये कैसे हो सकता है कि उस घर में फाका आएगा? इसमें ये राज मौजूद है, बस उस तक पहुंचना तुम्हारा काम है, बस वो मरोड़े तुम्हें खाना पड़ेंगे। उस फाके ये हुजूर ने बर्दाश्त किए, सहाबा ने बर्दाश्त किए, सब ने बर्दाश्त किए, उन्होंने ये मुजाहिदे तय किए थे, इसलिए जब वो वाकया पढ़ते थे उनके घर में फाके नहीं होते। तुमने तय नहीं किए, पहले तय करो फिर अल्लाह देगा, फिर अल्लाह देगा। ये बोलो कि मेरे मांगने में गलती है, या अल्लाह मैं झूठा हूं, तेरा फरमान सच्चा, तेरे नबी का फरमान सच्चा, मैं इस काबिल नहीं, इसमें ये राज है, ये इसरार है, ये हकीकत इसमें मौजूद है, मुझे अता फरमा, मुझे न देख, तेरे मेरे आका ने फरमाया है उसको कर। ये जमीन खुश्क हो जाए, आसमान बरसाना छोड़ दे, क्या ये जमीन खुश्क हो जाए, आसमान बरसाना छोड़ दे, ये समंदर भी खुश्क हो जाए, ये चरन परिन, ये दरख्त, हर चीज भी खुश्क हो जाए, तब भी अल्लाह राजी के वो तुझे खिलाएगा, हमें खिलाएगा। ख्याल बड़ा ऊंचा रखा करो कि एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, यही होगा कि ये खत्म, फिर भी अल्लाह खिलाएगा। वो राज़ी के अल्लाह कैसा रही में, आजकल लोगों ने फिल्में देख देख के सबका दिमाग खराब होता जा रहा है। अल्लाह उन्होंने कहा वो जो अपने बुतों की गुस्ताखियां करते हैं अपने रब की करते हैं, ये सिखाया जा रहा है। वो क्या है, इनको अल्लाह कौन सा चाहिए कि अगर इन पर गम आ जाए तो ये कैसा है, हम पे गम आ गया अल्लाह को ही छोड़ देंगे, हमारा अल्लाह तो नऊज़ु बिल्लाह कहते ऐसे नहीं हो सकता कि गम ले। अल्लाह ने फरमाया मेरी दोस्ती में गम ही है, कांटों पे सोना पड़ेगा, गर्मियों में तपना पड़ेगा, लोहों से कटना पड़ेगा, भूख से तड़पना पड़ेगा, बीमारी और मुसीबत में बेचैन हो गए, खौफ होगा। हमारा अल्लाह ये फरमाता है मेरे बंदों पर ये आएगा। क्या फरमाया, मुसलमानों कलमा वो करते हैं, वो तो झूठे हैं, तुम अपने सच्चे खुदा की नाफरमानियां करना शुरू हो चुके। तो रहीम कैसा है, तुम्हारे ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, कीमा कीमा कर दे, ऐसे तुम्हें बुलडोज कर दे, फिर उस कीमे को कीमा कर दे, ऐसे नसिया मनसिया कर दे, सारी दुनिया को जहन्नुम में डाल दे, तड़पती आग होती जहन्नुम की आग में जल रहा जला दे, तब भी अल्लाह रहीम है। तब भी वो रहमान है, तब भी वो रहीम है। ये जान उसकी है, इस पर किसी का हक नहीं है। दूसरा मारेगा कातिल कहलाएगा, खुद को मारेगा खुदकुशी कहलाएगी, दोनों को मुजरिम कहा है। उसे मारने का हक सिर्फ रब को है, वही मार सकता है, वही जान ले सकता है। जो दूसरा ये किस्मत में लिखा हुआ था, फला लिखा हुआ था, उसकी किस्मत में मौत लिखी थी, तूने इरादा क्यों किया मारने का, तूने इरादा क्यों किया अमल मरने का, वो तुझे ऐसे ही मार देता। जरूरी थोड़ी
क्यों किसी आले का मोहताज हो? तुम्हें पता है कि अल्लाह तुम्हें इस तरह मारेगा? अल्लाह ने फरमाया मरेगा। तू क्यों आले बनाता है? तू क्यों दूसरों को मार रहा है? जो तरीके उसने बनाया उसमें कोई जुर्म नहीं, सजा देता है हाकिम, उस पर जुर्म नहीं है। काजी उसको सजा देता है, वो मुजरिम होता है, उस पर जुर्म नहीं। मगर अगर बेगुनाह को मारेगा उस पर जुर्म है। वो काजी भी मुजरिम, वो हाकिम भी मुजरिम। जो अपने हुदूद क्रॉस करता है वो पकड़ा जाएगा। क्यों? कि वो इंसाफ के साथ उसको मार सकता है। अगर उसने इंसाफ न करके उसको मारा तो ये मुजरिम है, क्योंकि इसका हक नहीं है। इसको इजाजत इंसाफ के साथ। इतना ही अल्लाह की राह में, इतना ही मरने का शौक है तो फौजियों से रابطہ कर लो, अल्लाह की राह में तुम्हें भेज देंगे, कम से कम शहीद तो हो जाओ। तुम लोग काम के वैसे भी ना काम के ना काज के, इस काम के तो उनके पास चले, उनकी ड्यूटियां आसान करा दो। उनको आता है ऐसे लोगों को भेजने। ये चीजें क्या डालता है? शैतान, जिसने अपने आप को मारा या जिसने किसी को मारा, उसकी सजा कुरान में क्या है? तो इससे बचो। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। पांच वक्त नमाज, चाश, अवाबीन, इशराक, सलातुल तस्बीह पढ़ने वाला बने, तकबीर के साथ नमाज पढ़ने वाला बने, तमाम जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, रोज कुरान खत्म करने की तौफीक अता फरमाए, हफ्ते में 3 दिन में कुरान खत्म करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, नफ्स को मुतमईना बनाए, कल्ब को सलीम बनाए, बदन को सुन्नत का आमिल बनाए, हुजूर की सुन्नत को हमारा ओढ़ना बिछोड़ना बनाए, दिल को बुग़्ज़ से पाक और अल्लाह की याद में, अल्लाह की खशियत में डूबा हुआ पैर बनाए, हर वक्त अल्लाह के इश्क और मोहब्बत का इंतजार रहे। या अल्लाह, जब भी मौत का दिन आए, मौत का दिन हमारे लिए करोड़ों खुशियों के ईदों से ज्यादा खुशी का दिन बनाए। जुम्मे का दिन हो, रमजान का महीना हो, शहादत की मौत हो, जब भी आए जुम्मे हमें ऐसी मौत अता फरमा, मगफिरत के साथ, रजा के साथ, जन्नत कबर हमारा जन्नत का बागीचा हो और बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो और हुजूर के साथ अपना दीदार अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।